बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर, किचन विद सना आमिर के साथ ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं, चिकन लिया है हमने 1 से 1.5 किलो, टमाटर लिए हैं, इसको मैंने 5 मैंने टमाटर लिए हैं, इसको मैंने पानी में डालकर 2 मिनट के लिए बॉयल दिया था और इसका छिलका उतार के रख दिया। हरी मिर्ची ली है 7 से 8 मोटी वाली, हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, तीसी मिर्ची ली है 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्ची ली है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1/4 टीस्पून पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, थोड़ी मोटी मोटी ले ली है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, नमक लिया है हसब ज़रूरत, जूलियन कटी हुई हमने अदरक ली है, इसके अलावा हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, दही लिया है हमने 1 कटोरी और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमारी कढ़ाई गरम हो गई, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1/2 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे, इसको गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, चिकन ऐड करेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इधर हमारा चिकन अलग से भून रहा है। यहाँ पर मैंने पैन लेकर इसके अंदर ये जो मैंने बॉईल करके हल्का सा एक छिलका उतार कर टमाटर रखे थे उनको कट करके इसमें डाल दिया ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए और हल्का से इसमें जो ऑयल हमने बचाया था उसमें से हम ऑयल डालेंगे और इसको जब तक ये गल नहीं जाते, अच्छे से पेस्ट सा नहीं बन जाता, हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। चिकन हमारा अच्छे से हो रहा है, अब हम इसे मसाले ऐड करेंगे। सॉल्ट डालेंगे, काली मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसको कवर अप कर देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए, 5 मिनट हो गए, अब हम इसके अंदर दही डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि दही का पानी इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन हमारा बिल्कुल सही गल जाए। ये देखिए, इधर हमारा टमाटर का अच्छे से पेस्ट बन गया है, अब हम इसको जो हमारा चिकन भून गया है उसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से भून गया, अब हम इसमें जो हमारा टमाटर का पेस्ट बन गया वो हम इसमें ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये 8 मिनट के अंदर हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। ये देखें, बस हम अब इसमें अदरक डालेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, बस 8 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखें, हमारी मज़ेदार सी झटपट चिकन कढ़ाई रेडी है। अगर आपको मेरी अम्मी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।